ई नुमारा कैसे मामू? और मामू कैसी गुजर रही ईद? और क्या क्या सुबह से आप? वो सारे सामान आ गए हमारे, पता नहीं सभी पीछे सामान गए नानी के पल के, जो है ना वो हालत मेरे सामानों से भर गया था। तो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये व्हाइट स्मार्ट भी ला रही थी पाकिस्तानी स्टाइल, ठीक है, सॉक्स आ रहे हैं, वो सारे इधर आ रहे हैं। ये खास और खास डीजल ने मामू की कॉपी करी है, डीजल का एक्टर ही। ये हमारा यूनिफॉर्म, बहुत सारी यूनिफॉर्म भी आ रही है। पता तो मैं नहीं है गले वाले खराब हो रहे दवाइयां, पाकिस्तानी दवाइयों से इलाज करेंगे। सबसे खास चिकन अलीम फ्राइड अनियन, खतरनाक कॉम्बो हो गई। अच्छा मेरा जो फेवरेट जो रमजान में होता था ना वो थे चीज़ रोल, जो रमजान में पाकिस्तान में होता। तो अभी जो है ना ईद पे चीज़ रोल आ गया मेरा, बहुत सारे सो फ्राई कर करके खाएंगे। कबाब है शामी कबाब, ये सीख कबाब, हाँ सबसे ये चीज़ जो आई है वो धूप से बचने के उदार आ गए। ये गलत भेज दिया मामा ने, मामा ये गलत भेज दिया आपने भाई, ये आपने पुराना वाला भेज दिया। ये वो क्रेडिट क्यों है जिसको मैंने सीखा था, ऑलमोस्ट कोई 8 साल पुराना है 9 साल पुराना है, इसी के साथ शायद चलो उसको एंटीक भी बना के रखेंगे कि शायद क्या बनाना। अब शेरम की स्केचबुक देखे ना, बड़ा बेहतरीन सीन आ गया। खतरनाक जुल्म होता था ना आपके भाई के ऊपर। मामू का रूम होता था, बेड बड़ा था, उस पे ना चारों तरफ से तकिए वकिए लगा के, और हम लोग जो ना सारे रेस्लर बने होते थे। मामू जो तेरे रॉक थे ना, मतलब आंखें ऐसा करे। अच्छा उसके बाद से मैंने भी बड़ी मेहनत करी है, मैंने भी आंख करके ना आईब्रो मेरी ऊपर होना शुरू हो गई ना। पकड़ता था वो हाथ गीले करके, गीली चमाटे कहता था, गीली गीली चमाटे मारेंगे, गीली गीली चमाटे बड़े शौक से थे भाई। मामू के पास होते थे खिलौने ना, सारे खिलौने थे, उनके हाथ पाँव प्रॉपर हिलते थे पूरा, मतलब ना हाथ पाँव हिले होते। जब भी नानी के घर पे जाऊँ लोग ये था कि भाई मामू बेड पे जा रहे बिठा दे, गाड़ी रखी हुई है उसके अंदर जो है ना हल्क भी होता था, रेसलर के साथ हल्क भी होता था, हल्क भी आके दाव मार रहा है पूरी तरह। मामू की कहानियां होती थी ना, हर बार की ये कहानी मामू की रेडी होती थी। भाई लोग बैठे बैठे ना दस्ती और सडन प्लान बन गया ग्लोबल विलेज का, तो अभी आप लोगों को घुमाते हैं, खुद भी थोड़ा घूमते हैं। आपका भाई वैसे पहली बार जा रहे हैं, नहीं पता क्या होगा, तारीफें बहुत सुनी है तो उम्मीद है कि बड़ा मजा आने वाला है। भाई ग्लोबल विलेज का मूड बन रहा है तो 30 तारीख से पहले ग्लोबल विलेज आ जाओ, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो ग्लोबल विलेज अगले अक्टूबर में आएगा, आई होप सो। तो जिस जिससे आना है विजिट करना है तो विजिट कर लो, मौसम भी बेहतरीन है। और अगर टिकट की बात करें तो अगर ऑनलाइन परचेज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वैसे तकरीबन 25 धर्म का आपको टिकट मिलेगी। भाई यहाँ की टाइमिंग जो है ना दोपहर 4 बजे से 2 बजे तक है, अगर आपके पास कन्वेंस का इशू है तो फिर भी टेंशन नहीं लेनी है। बस यहाँ पर आती है रशीदिया से 102, यूनियन मेट्रो से आ रही है 103, गोबेबा बस स्टेशन से आ रही है 104 जो की अलजफीलिया को पास करते हुए निकलेगी। फ्री पार्किंग भी है अगर अपने कन्वेंस के थ्रू आ रहे हो, अगर वॉक नहीं करनी है, अगर मेरी तरह थोड़े से आलसी हो रहे हो तो फिर जो है आपको वीआईपी पार्किंग मिल जाएगी 200 धर्म की, उससे कम शेषे करने तो 150 धर्म की आपको वॉलेट पार्किंग मिल जाएगी। अच्छा यहाँ की खास बात यह है कि ग्लोबल विलेज जो है दुनिया के 78 नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है विद क्लास। इंटरनेशनल कुजींस हो गए, अलग अलग किस्म के स्टॉल्स हो गए, राइड्स हो गई, बहुत ही बेहतरीन किस्म के शोज हो गए। और मजे की बात यहाँ 1-2 घंटे में आप नहीं घूम सकते हो, अगर आपने प्रॉपर एंजॉय करना है तो आप दोपहर में 4 बजे आ जाओ, और जब तक आपको हाथ से पकड़ के बाहर ना करें ना तो बाहर नहीं निकल। ये एक्वाएक्शन बट अनफॉर्चुनेटली अफवाहें मिली है कि बहुत ही कोई हेवी शो होता है, इस सीजन तो हमने मिस कर दिया, बट अगले सीजन मिस नहीं करेंगे।
بھائی لوگ اسی کے ساتھ مجھے اجازت, آج کا دن میں ختم, پھر ملیں گے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی, ٹل دین پیس آؤٹ. یہ ہیوی تھا, یہ ہیوی تھا استاد, یہ ہیوی تھا, ہیوی تھا. چلو چلو میں کانٹیکسٹ بتا دیا, کانٹیکسٹ بتا دیا آپ کے لیے بلاگر بھائی, آپ بھائی کانٹیکسٹ بتا دیا. سب طرح سے میں ریوائز کرتا ہوں, چیز بہت سٹرونگ ہے, پہنچ نہیں سک رہے, پہنچ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چیز بہت سٹرونگ ہے. میں نے کانٹیکسٹ بتا دیا, یہ اوور آل کاٹ دینا, لیکن میں ایک کام کی کلپ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ شاید آپ فیل کر پاؤ. ارض کیا ہے کہ کیوں حال پوچھتے ہو ہمارا, ہے ہی کیا بتانے کے لیے ہمارے پاس. کیا کہنا, کیوں حال پوچھتے ہو ہمارا, ہے ہی کیا بتانے کو ہمارے پاس. دھول لگی کچھ یادیں, ٹوٹے دل کے کچھ ٹکڑے, اور مردہ روح پہ جسم نامی لباس. کیا کہنے کے لیے, ہیوی کر دیا استاد, ہیوی کر دیا استاد, ہیوی ہو گیا, ہیوی ہو گیا استاد.